फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर ऑफ लव। सो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि क्वालिटी का जमाना है, और आपने पिछली बार से देखा ही होगा कि हमारी वाइफ हमें इंप्रेस करने के लिए कितना अच्छा अच्छा टेस्टी खाना बनाती है। और एक क्वालिटी का जमाना है, तो मैं भी चाहूंगा कि अपनी वाइफ के लिए कुछ स्पेशल बनाऊं। और तो मैम, क्या खाना चाहेंगे आज? वेल, ऐसा कुछ दिमाग में है नहीं, लेकिन वीकेंड है, कुछ स्पेशल तो बनता है, और मेरा आराम करने का भी दिन है, तो आप व्हाई डोंट यू कुक, ऐसा करो, सरप्राइज दो। चलिए, दिमाग में तो कुछ नहीं आ रहा। चलिए ऐसा करते हैं, मैम को सरप्राइज करते हैं। तो एक काम करते हैं, क्यों ना आप आज थोड़ा आराम करें, थोड़ा वर्कशॉप पे आए, मौसम भी अच्छा है, थोड़ा घूम के आए, तब तक मैं आपके लिए कुछ स्पेशल बनाता हूँ। तो जब तक मैं आऊंगी तब तक बन जाएगा आधे घंटे में? आधे, चलिए एक घंटे के लिए घूम लीजिए, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग कीजिए। ओह, क्रेडिट कार्ड प्लीज। लगता है मैंने कुछ गड़बड़। चलिए फ्रेंड्स, तो हम आज अपनी वाइफ को स्पेशल ट्रीटमेंट और स्पेशल सरप्राइज देंगे, तो चलते हैं किचन की तरफ और मैं बताता हूँ मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। और मैं चली इनके वॉलेट में हाथ मारने। बाय। तो फ्रेंड्स, हमारी मिसेस जो है वो जा चुकी है शॉपिंग पे, तो अब हम आपको उनके लिए हम स्पेशली बताना चाहेंगे मटर। अब हमारे पास एक घंटे का टाइम है, तो हम एक ऐसी रेसिपी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें कम से कम टाइम लगे, कम से कम मेहनत लगे, बैचलर स्टाइल घर के हिसाब से मटन करें, और जो कि हम सर्व करेंगे अपनी मैम के लिए चावल के साथ। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ और देखते हैं कैसे बनाते हैं हम ये मटन करी। तो गाइस, जैसे कि हम आधा किलो मटन बना रहे हैं, इसके लिए हमें लगभग 300 ग्राम प्याज लिए हैं, जिसको हमने स्लाइसेस में काट के उनके लच्छे खोल दिए। साइड बाय साइड हमने लिया है एक लहसुन और एक इंच अदरक, जिसे हमने मानदस्ते में कूट लिया है, और हमने लिया है एक टमाटर। सो फ्रेंड्स, हमारे मटन करी में हमें जो गर्म मसाले लगे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं: 4 से 5 साबुत लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता, 2 इलायची, 1 सिनेमन स्टिक, 8 से 10 काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची और 4 से 5 लौंग। तो भाई, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कुकर ले लिया और कुकर के तले पे हमने अपने सारे प्याज बिछा दिए। अब हमें क्या करना है, जितने भी हमारे खड़े गरम मसाले थे वो हमें एक एक करके इनमें सब सारे डाल देने। हमने अपने पूरे खड़े गरम मसाले इसमें डाल दिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है हम इसमें अपना डालेंगे मटन। तो मटन मैंने आधा केजी मटन लिया है और मैंने इसे फ्रेशली अच्छे से धो लिया है, और अब मैं धीरे धीरे करके एक मटन की लेयर सी बना दूंगा इस पर। अब हमारे मटन डालने के बाद हम इसमें अपने पिसे हुए मसाले डालेंगे, जो कि है आधा गरम मसाला आधा चम्मच, 1/4 हल्दी, 1 से 1.5 चम्मच अपनी लाल मिर्च, लगभग 1 चम्मच धनिया पाउडर, और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे जीरा, वो आप ले सकते हैं 1 से 1.5 चम्मच। नाउ फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट नमक। हमने नमक अपने स्वाद अनुसार, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसमें डाल देना है सरसों का तेल। फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है ये सरसों के तेल पे ही सबसे ज्यादा बेस्ट लगती है। इसमें हम 70 ग्राम सरसों का तेल डाल रहे हैं। जैसे हमने डाल दिया तेल, इसके बाद हम अपना डालेंगे अदरक लहसुन, और साइड बाय साइड ये जो हमारा एक टमाटर जो हमारा पड़ा हुआ था हमने काटा था इसके लिए, वो हमें इसमें डाल देंगे। और जैसे ही हमने अपने सारी सब्जियां डाल दी, अब हमें करना कुछ नहीं है, इसे हिलाएंगे नहीं, हम सीधे इसका ढक्कन बंद करेंगे और एक विसल आने का हम वेट करेंगे। तो गाइस, हमारी एक विसल आ गई थी और इसका हमने प्रेशर निकलने दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका ढक्कन खोल के देखेंगे कि क्या चल रही है। ठीक है, अब आप देखेंगे, देखिए हमारे मटन और प्याज ने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है। तो अब हमें करना कुछ नहीं है, इस पानी को इवेपोरेट करना है जब तक कि ये थिक ग्रेवी में ना बन जाए, और उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे और साइड बाय साइड तब तक इसको चलाते रहेंगे जब तक ये एक सिंपल सी थिक करी में ना कन्वर्ट हो जाए। तो फ्रेंड देखिए,
ये पानी उबलने लगा है और हमें क्या करना है, हमें तब तक चलाते रहना है। आप इसे 1 से 2 मिनट के इंटरवल में चलाते रहिए। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पानी है वो ऑलमोस्ट इवेपोरेट हो चुका है और अब ये बिल्कुल थिक ग्रेवी के फॉर्म में आ चुका है। तो अभी हमें करना कुछ नहीं है, हमें इसकी गैस को सिम करना है और साथ बाय साइड हमें अपने मटन को भूनते रहना है। देखिए, मटन आपको पता होगा कि जितना ज़्यादा भुना जाए उतना अच्छा उसका फ्लेवर निकल के आता है। तो हम इसे तब तक भुनेंगे जब तक इसका जो पानी है वो पूरी तरह से इवेपोरेट ना हो जाए और हल्का हल्का कुकर के तले पे लगने ना लग जाए। तो फ्रेंड्स, इसे हल्का हल्का भूनते रहिए और जब पानी इवेपोरेट हो जाए, हल्का हल्का लगने लग जाए, तो समझ लीजिए आपका मटन ढंग से भुन चुका है। सो फ्रेंड्स, हमारा ऑलमोस्ट पानी सूख चुका है और अब हम क्या कर रहे हैं, मटन को भून रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच कोई सा भी आपका मीट मसाला। मैं यहाँ पे टाटा का मीट मसाला यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कोई सा भी यूज़ करके पी दो। तो इसको अब हम मीट मसाले के साथ 1 से 1.5 मिनट भूनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जितना आप मटन भूनेंगे उतना ही इसका टेस्ट निखर के आएगा, उतना ही इसका टेस्ट लाजवाब रहेगा और आप अपने पार्टनर्स को ज़रूर इम्प्रेस कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अपने मटन को गर्म मसाले के साथ अच्छे से भून लिया था। अभी आप देखेंगे सारा तेल जो है साइड में आने लगा है, इसका मतलब ये है कि आपका मटन जो है ये अच्छे से भून चुका है। तो अब हमें करना कुछ नहीं है, हम इसमें अब अपना पानी डालेंगे। हम यहाँ पे 1 से 1.5 गिलास पानी डालेंगे। तो आप पानी की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे अगर आपको थोड़ी ज़्यादा मतलब लाइट ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, आपको अगर थिक ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा कम पानी डाल सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पानी आप धीरे धीरे करके डालें ताकि आप अपनी कंसिस्टेंसी देख चेक कर पाएं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के इसे पकने के लिए इस पर बिसल लगाऊँगा। तो फ्रेंड्स, हमने अपना पानी डाल दिया है और हल्का सा पानी में उबाल भी आने लग गया। अब हम अपना कुकर का ढक्कन जो है कि बंद करेंगे और इसे जैसे मैंने आपको बताया, 1 बड़ी विसल और 2 से 3 छोटी विसल और आपका मटन तैयार हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमारी सीटियां आ चुकी हैं, हमारा मटन ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। अब हम इसे खोल के देखेंगे कि कैसा कलर आया है, कितना पका है, कोई कमी तो नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कैसा बना है। ओह माय गॉड फ्रेंड्स, जस्ट लुक एट द कलर, कैसा कलर आया है, कैसा फील आया है इसका। अगर आप ग्रेवी चेक करेंगे, इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे, ये एक्चुअली मैंने थोड़ा चावल के साथ बनाया है, बट अगर आप इसका ओवरऑल लुक देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन आया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी हरी पत्ती से इसे गार्निश करेंगे। तो हमने थोड़ी सी हरी पत्तियाँ इसमें डाल दी और अब ये रेडी टू ईट है। तो अब हम मैम का वेट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 1 घंटे का टाइम बोला था, उससे थोड़ा ज़्यादा ले लिया। चलिए फ्रेंड्स, अब थोड़ी देर बाद अब इसे टेस्टिंग कराने के लिए इसे सर्व करते हैं। मटन, यस यस, वेरी नाइस। आपने तो बड़ा जल्दी जल्दी बना लिया विद राइस, परफेक्ट। तो फ्रेंड, जैसे हमने बताया था कि हमारा सरप्राइज है हमारी मिसेस के लिए मटन राइस, जब देते हैं कैसा लगता है। मैं तो बिजी होने वाली हूँ, लेट्स सी। देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। और तब तक के लिए मटन रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।